की सफलता पूर्वक 100 दिन पूरे हुए हैं, तो उन 100 दिनों की भी मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। जिस तरह उन्होंने इससे पहले India's most trusted jeweler Tanishq अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। For bigger and better shopping experience visit Tanishq near Reliance Fresh, वैशाली नगर मेन रोड अजमेर। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है, और इस अवसर पर आज राजस्थान में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे विकास के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है, और बहुत सारे जो रोजगार भी, बहुत सारे नियुक्ति पत्र भी दिए हैं लोगों को। आज बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रोजगार के नियुक्ति पत्र भी मिले हैं। पीएम आवास योजना को भी इसमें जोड़ा है, आयुष्मान योजना को भी जोड़ा है। बहुत सारे अलग अलग हमारी जितनी भी बजट में घोषणाएँ हुई थी उसमें भी बहुत सारे जो कार्य अभी तक पूरे हुए हैं उनका भी आज शिलान्यास, लोकार्पण, और योजनाओं में जिन जिन को लाभ मिलना था उन लाभार्थियों से संवाद भी किया। ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है राजस्थान में, उसमें भी आज बहुत बड़े जो कार्य हुए हैं उसका भी आज पूरा डिटेल में विभाग के द्वारा भी प्रस्तुति भी की गई। और ऐसे बड़े बड़े कार्य हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, और हमारे आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पे जो कि सेवा पखवाड़े के रूप में हमेशा मनाया जाता है, ये पूरा आज से लेकर 2 अक्टूबर तक हर साल हम लोग सेवा के कार्य करते हैं इन दिनों में, और वो कार्य भी आज उनका भी शुभारंभ किया गया है। इससे पहले हम सभी जानते हैं 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने जिस तरह से सड़कें बनाई, इसलिए आज जो बारिश हुई, भारी वर्षा हुई, इतनी ज़्यादा भारी वर्षा राजस्थान में बहुत सालों बाद हुई है, लेकिन इस भारी वर्षा को ये सड़कें झेल नहीं सकी। इसका मतलब क्वालिटी का काम नहीं हुआ था। हम लोग अब आए हैं, हम लोग इन सभी सड़कों की रिपेयर भी करेंगे, नई सड़कें भी बनाएंगे। आज आपने देखा बहुत सारी नई सड़कों के उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण भी हुए हैं। आगे आने वाले समय में सड़कों की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाएगा। सड़क बनेगी तो साथ में नाली का प्रोविज़न भी दिया जाएगा, नहीं तो फिर क्या है, वो सड़क ज़्यादा दिन चलती नहीं पूरी तरह से। बिल्कुल मैं जानती हूँ, मैं उसी रोड से आती हूँ, मैं यहाँ की प्रभारी हूँ। मैं जितनी बार भी आई हूँ मैं कॉन्ट्रैक्टर से लगातार मैं बात करती हूँ, विभाग से भी मेरी लगातार चर्चा रहती है। इसमें बहुत टाइम लग गया, और इसमें क्योंकि जो जिस तरह से इसमें सर्विस लेन भी देनी चाहिए थी, अलग से एक बाईपास देना चाहिए था, वो उस समय नहीं हो पाया। अब आप देखेंगे बहुत तेज़ गति से काम हो रहा है, भारी वर्षा के कारण भी कम से कम 2.5 महीने से ये काम बहुत धीमी गति में चल रहा था, अब फिर से बहुत फास्ट चल रहा है, और ये बहुत जल्दी इसका काम पूरा होगा। भाकरोटा वाला जो फ्लाईओवर है उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वो बाद में शुरू हुआ, बाकी के दोनों फ्लाईओवर लगभग अब बहुत जल्दी 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। इसके बारे में बाद में योजना बनेगी तब। चल धन्यवाद। राजस्थान जी, राइजिंग राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण समिट है, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जापान और साउथ कोरिया भी गए, और हमने देखा कि हमारे सभी अधिकारीगण, मंत्रीगण अलग अलग प्रदेशों में जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हमारे प्रदेश में आए, राजस्थान में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, रोज़गार बढ़े, और हमारी इकोनॉमी और मजबूत बने, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आप देखेंगे राइजिंग राजस्थान जो दिसंबर में होने वाली है, वहाँ पर भी अभी भी हर ज़िले में भी कैसे हम उस हर ज़िले में निवेश कैसे बढ़ सकता है, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ सकता है, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। अभी कलेक्टर साहब से मैं यही चर्चा कर रही थी कि राइजिंग राजस्थान में अभी तक आपने क्या प्रगति की, और वो भी कह रहे हैं कि हम लोग बहुत तेज़ गति से इस पर काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत चल रही है कि आए वो इंडस्ट्रियलिस्ट आए और हर क्षेत्र में निवेश आए, इन्वेस्टमेंट आए, ताकि ये हमारा राजस्थान या अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है कहीं भी, किसी भी, चाहे रिसोर्सेज की बात करें, आपका यहाँ मार्बल बहुत यहाँ पर उपलब्ध होता है, राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत बड़ी मात्रा में है, उन सब चीज़ों, इन सब सेक्टर्स में टूरिज़्म एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, हर प्रकार से ये जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे और निवेश लाने का प्रयास करेंगे। मैडम, विपक्ष ने फिर
सके। उनके बोलने से कुछ नहीं होता, उनके उन्होंने जो छोड़ दिया राजस्थान की हालत वो आप सबके सामने। दसरा जी कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल है वो साधु है, और मैं उनके किसी भी मैं उनकी किसी टिप्पणी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मेरे पास उनको बोलने के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने क्या किया राजस्थान के साथ, 5 साल उनके पास था, 5 साल उन्होंने राजस्थान की जो स्थिति छोड़ी है वो हम सब जानते हैं। आज जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो हर प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था की भी जो हालत है, हमारे चाहे कहीं भी आप देख लीजिए, सब कुछ भी सही नहीं है। वो चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें और चीज़ों की बात करें, जो उन्होंने ये विरासत में हमको दिया है ना, ये वो सब वो भी जानते और हम भी जानते और पब्लिक भी जानती, उनको तो बोलने का अभी कोई अधिकार ही नहीं।